हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो आपने हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है वीडियो का देख लिया, तो ये अब हमारा है थर्ड पार्ट। और हमने किस तरह से अपनी आईब्रो को नीट किया, अपनी आई बेस मेक करी, अपने आई शेडोज के कलर सिलेक्ट करके हमने आई मेकअप जो है वो क्रिएट किया, ठीक है। तो ये आप मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में जो है वो आप मेरी वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जो ट्रेलर है वो आपको लास्ट में दिखेगा। देन हम आ जाएंगे अपने बेस की तरफ। ओके, तो बेस के लिए हमने वेलवेट टच का प्राइमर लिया, हुदा ब्यूटी का और हुदा ब्यूटी की ही बीबी क्रीम ली है। तो इन दोनों चीज़ों को हम जो है आपस में अपने एक साथ जो है वन वन ड्रॉप जो है वो लेंगे अपने हैंड पर और ब्रश की हेल्प से इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारी बेस जो है काफ़ी अच्छी और फ्लॉलेस लगे। और मिक्स करने के बाद हम अपने फेस पर जो है वो अप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपने अप्लाई करना है अच्छी तरह से अपने फेस के ऊपर और जहाँ जहाँ आपका ब्लैंक एरिया है। अच्छा, बेस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और फ्लॉलेस बेस बन रही है हमारी। देन जो है हम जो है अपना जो है वो सबसे जो बेसिक जो अपना फाउंडेशन है फिर हम वो लेंगे, ठीक है। ये है मेरा एमली का SPF 40 फाउंडेशन, ठीक है, नंबर 2। और ये मैं थोड़ा सा ब्रश से ही ले रही हूँ, इसकी स्मॉल क्वान्टिटी ही मेरे फेस के लिए जो है वो बहुत है। बहुत ही अच्छी और हार्ड अच्छी पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी और सॉफ्ट लुक देता है ये मेकअप का। आप भी ट्राई करें इस फाउंडेशन को, ठीक है। देन हमने ये वाला फाउंडेशन अप्लाई करिए जहाँ जहाँ हमारा जो है वो स्पे मुझे फेस पे नज़र आ रहा था कहाँ कहाँ लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर और इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ करेंगे ब्लेंड। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को एक साथ ब्लेंड करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी वो जो है बेस जो है काफ़ी अच्छी बने। ये देखें, हमारी बेस जो है वो बिल्कुल ब्लेंड हो चुकी है अच्छी तरह से हमारे फेस के ऊपर। आपने देखा किस तरह से हमने ये बेस जो है वो मेक करी है और बेस को ये अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करेंगे कोई भी एरिया आपका रहना था। जहन हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, कॉम्पैक्ट पाउडर से अपनी जो है वो अपने फिक्स कर लेंगे बेस को। एज अ कोई भी आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं या फेस पाउडर भी ले सकते हैं। देन हमने ये फिट मी का जो है वो मेबलिन कंसीलर लिया है, ठीक है। तो ये कंसीलर जो है मैं अपनी अंडर आई एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ। मुझे ज़्यादातर यही कंसीलर यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो ये मैं ब्रश से जो है इसको मैं अपने सॉर्ट आउट कर रही हूँ अपने अंडर आई एरिया में जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि डार्क सर्कल्स हैं जो मेरे हाइट हो जाएँ, ठीक है। और इस तरह से हाइट करने के बाद जो है मैं उसके ऊपर जो है अच्छी तरह से दोनों आइज़ पर सेम प्रोसेस में इस तरह से इसको अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई करने के बाद जो है मैंने इसके ऊपर जो है वो अपना वाला जो लूज़ पाउडर होता है जो मैंने खुद मेक किया है, काफ़ी सारे उसके अंदर लूज़ पाउडर हैं जिनको मिक्स करके मैंने बनाया है, मेक किया है, ठीक है। तो मैं वो हल्का सा ऐसे ही ब्रश में लूँगी और इसको जो है मैं अपने अंडर आई एरिया पर जो इस तरह से टैप करके अप्लाई कर लूँगी इस तरह। ये देखिए कितना अच्छा जो है वो फ्लॉलेस लुक दे रहा है। और उसके बाद हमने अपनी आईलैशेस के ऊपर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में थोड़ा सा मस्कारा यूज़ करना है। मस्कारा तो मुझे आई थिंक लगता है कि मैं एज अ फॉर्मेलिटीज़ के लिए जो यूज़ करती हूँ, मुझे ज़्यादा इतना कोई मतलब इतना कोई क्रेज़ नहीं है मस्कारे का, बहुत से लोगों को होता है, ठीक है। देन हमने ये वाली जो है वो ब्लश पैलेट ली है फाइनल टच की, ठीक है। और फाइनल टच की इसमें से ब्लश पैलेट में ये शेड लेके मैंने अपने चीक बॉर्डर पर अप्लाई किया है। अच्छा, चीक बॉर्डर पर लगाने के बाद थोड़ा सा ब्रो बोन एरिया पर भी हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि अच्छा सा जो है वो हमारा लुक आए मेकअप का। और नेक्स्ट चीक बॉर्डर पर भी अप्लाई करेंगे, आप चाहें तो फॉरहेड पर भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये शेड ऐसा है कि मतलब देखने में ऐसा लगता है जैसे डार्क है बट इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। उसके बाद ये मैं पीछे शेड्स का शिमर वाला हाइलाइटर ले रही हूँ, ठीक है। इसको मैं अपने ब्रो बोन एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए कितनी फ्लॉलेस लग रही है हमारी आईब्रोज के जो है बिल्कुल ज़्यादा हाईलाइट कर रही हैं। आईब्रो को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आज मेक किया है बिल्कुल प्रोफेशनल लुक के साथ। ये देखें, आपको खूबसूरत लग रही होंगी आईब्रो, ठीक है। तो अगर आपको किस तरह से देखना है मैंने कैसे किया है तो आप जाके मेरे वीडियो का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है वो देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से आईज़ के अपनी मेकअप के लिए बेस मेक करी है, अपने आई शेडो अप्लाई किए, किस तरह से मैंने आई मेकअप किया है, ठीक है। तो आप मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको मेरी जो थंबनेल से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देन हमने ये रेड कलर जो है वो लिप लाइनर का लेना है, यानी लिप पेंसिल ली है मैंने और मैं अपनी जो है वो लिप्स की जो लाइन है आउटलाइन होती है वो मेक कर रही हूँ। अच्छी तरह से उसको मेक करना है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा शार्प लगेगी, चमक मारेगी बिकॉज हमने जो अपने लिप्स के ऊपर जो है वो हाइलाइटर अप्लाई किया है, तो जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देगा। और आउटलाइन मेक करने के बाद हम लिप्स की जो शार्प लाइन है उसके ऊपर जो है वो कट मारेंगे, यानी इसी पेंसिल से जो है वो कट लाइन देंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह से कट लाइन देनी है। उसके बाद हम आ जाएंगे हुदा ब्यूटी का लिप ग्लॉस, इसी से मिलता जुलता लेकिन थोड़ा सा पीची शेड का लिप ग्लॉस है, ठीक है। ये है तो मैट फॉर्म में लेकिन जब लगाओ तो ऐसा लगता है ग्लॉसी है, बट ये मैट फॉर्म में है। अच्छी तरह से इसको लिप्स पर हमने अप्लाई करना है।
अच्छा, लिप्स पर अप्लाई करने के बाद जो है ये फ़ौरन जो है 2 सेकंड के बाद जो है मैट का जो है वो लुक देने लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज़ ली है, ये आई शेडो में से मैंने पिंक शेड लिया है, मैट फॉर्म में पिंक शेड अपने लिप ग्लॉस के कलर से रिसेंबल करता हुआ, ठीक है। और ये मैंने अपने लिप्स पर इस तरह से टैप करके अप्लाई कर लिया, और अब हमारे लिप्स जो है बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म में जो है वो मैट लुक दे रहे हैं। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हमारा मेकअप हो गया है मुकम्मल एंड कम्प्लीट। सो ये है हमारा फाइनल लुक, और आई होप कि आपने मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो फुल वॉच किया होगा, अच्छे से समझा होगा कि ये मेकअप जो है मैंने प्रोफेशनल लेवल का एडवांस मेकअप किस तरह जो है वो मेक किया है, ठीक है। और भी मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल जो है अपने चैनल पर मेक किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। मैं इसका जो आई बटन में भी लिंक दे दूँगी इसका, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आई होप कि आपको मेकअप जो है वो ज़रूर पसंद आया होगा। मेकअप अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको मेकअप का शौक़ है उनके साथ शेयर करें, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे किसी भी टॉपिक पे मेकअप ट्यूटोरियल देखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी स्किल्स जो है वो इन्हेंस हो।